कि मार्केट में काम का तो अता पता है नहीं, और सभी ड्राइवर परेशान हैं। छोटी गाड़ी वाले फिलहाल काम कर रहे हैं, लेकिन हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस मैं पहुंच गया इंद्रापुरम पहुंच गया हूँ तिकोना पार्क के पास में खड़ा हूँ। ये तिकोना पार्क है, आज बहुत दिनों के बाद इंद्रापुरम आया हूँ। तो आज भी अपने पास की बाहर का काम है नहीं, तो लोकल में काम करने का ट्राई करेंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए दिए थे ना, तो हो सकता है आज काम हो जाए उसका। अपना फिटनेस ख़त्म हो रहा है 28 तारीख को, तो अभी फ्री था तो मैंने कहा अभी से करा लेते हैं। तो फिटनेस इंश्योरेंस ख़त्म हो जाएगा 25 को, और फिटनेस होगी मेरी 28 को ख़त्म। तो मैंने सोचा अभी से करा लेते। तो कल आईडी ऑफिस गया था तो कुछ काम पेंडिंग रह गया है, तो वो हो जाएगा। बाकी देखो बिल का, और मैंने ये वाले पढ़वाए थे ये है ना, तो साथ में आते हैं वो दूसरे होते हैं, डिज़ाइन चेंज है बाकी हैं ओरिजिनल, ये मैंने सेकेंड हैंड ले लिए थे ना। तो बस आज कुछ काम नहीं है, ओला ओवर में करने का काम ट्राई करेंगे, और इसके बाद आईटी ऑफिस भी जा सकते हैं ना। तो ब्लॉग लास्ट तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहेगी आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं तिकोना पार्क इंद्रापुरम गाजियाबाद से। गो तो गाइस पहले तो फटाफट सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, बना लो को टूर प्लान हमारे साथ, वन वे राउंड ट्रिप कर दो टूर प्लान व्हाट्सएप में इस नंबर पे। हम आपको कोटेशन देंगे, कोई भी गाड़ी हायर करो हमसे, आर्टिकल इनोवा वैगन आर डिजायर एकदम रीजनेबल रेट पे। तो पहले आप ब्लॉग देखो, मिलते हैं लास्ट में। तो गाइस टाइम हो गया है 10:30 और ड्यूटी तो कोई आई नहीं, तो सोच रहा हूँ पहले कुछ खा पी लेते हैं। खाने में इधर मिलेगा अपने को बिरयानी वेज वाली, मैं नॉन वेज खाता नहीं हूँ आपको पता होगा, और वेज वाली बिरयानी बहुत ही टेस्टी मिलती है यहाँ पे सिप्रा मॉल के पास में, तो उधर ही जा रहा हूँ वेज बिरयानी खाने। फिर उसके बाद जाऊँगा, गाड़ी की बैटरी हल्की हल्की डिस्चार्ज ही हो रही है, मतलब प्रॉब्लम आ रही है, तो खाली टाइम में ये सारे काम फिनिश करवाने हैं। तो बैटरी वाली जहाँ से खरीदी थी ना, उनकी दुकान पर जाऊँगा, उनसे चेक करवाऊँगा कि इसकी जो बैटरी की ग्रेविटी होती है ना, वो कम तो नहीं हुई है। ग्रेविटी बोलते हैं क्या बोलते हैं समझ जाओ आप। तो अगर कम हो गई होंगी ना, क्योंकि मैं पंखा लगा लेता हूँ ना, तो इस वजह से हो सकता है दिक्कत हो, अगर कोई दिक्कत होगी तो चेंज करवा लेंगे, नहीं तो फिर चेक करा लेंगे। पानी तो मैंने कल चेक करा लिया था, लेकिन पानी पूरा होने के बाद भी गाड़ी 3-4 सेकंड में सेल्फ ले रही है, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है हल्का सा। और किसी भी चीज़ को इग्नोर करना महंगा पड़ जाएगा ना, कभी बैटरी डाउन हो गई तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए बैटरी का काम। अपने बाहर चलते हैं तो गाड़ी में कोई भी कमी नहीं छोड़ते बिल्कुल भी। पहुँच मैगी की शॉप है यहाँ पे है ना, अब भाई पीछे देख ले गाड़ी बैक कर रहे हो। तो कैसे आ गई अपनी गर्मा गर्म वेज बिरयानी है ना, सोयाबीन प्याज मस्त है, भूख लग रही ना हल्की फुल्की, तो हल्का फुल्का अपना ब्रेकफास्ट टाइप हो जाएगा। एक नंबर, आपको पसंद है नहीं पसंद है कमेंट कर दो थोड़ा सा, इसी बहाने से कमेंट तो करते नहीं, देख के चले जाते हो, व्यूज आते हैं बहुत और कमेंट आते हैं 200-300-400 किसी किसी वीडियो में तो बहुत कम कमेंट आते हैं, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं लिखते हो। चलो सो गाइस बिरयानी तो खा ली, और मैंने अभी गूगल करा ना, तो उस पर दिखा रहा है पास में ही 800 मीटर पे दिखा रहा है एक्साइड बैटरी का शोरूम बोले तो सर्विस सेंटर। एक्साइड की बैटरी डलवाई थी मैंने, ये है मेरा कार्ड बैटरी का, और बैटरी मैंने पढ़वाई है 22 नवंबर 2022 को अक्टूबर, अभी एक साल भी नहीं हुई है बताओ, एक साल से पहले बैटरी दिक्कत करने लगी। चलो कोई नहीं दिखा देते हैं, 800 मीटर यानी 3 मिनट दिखा रहा है, तो चलते हैं बैटरी के शोरूम पे, देखते हैं वो लोग क्या बताएंगे। वैसे तो अधिकतर लोग बातें ही बताते हैं वारंटी देने में, हो सकता है आसानी से बदल दें, नहीं बदलेंगे तो मैं दुकान पर चला जाऊँगा। बैटरी मैंने अपने घर के पास ही डलवाई थी 6000 cc से, तो पहले इन्हें दिखा देते हैं है ना। बैटरी का स्टोर तो मिल गया, लेकिन स्टोर बंद है, ये देखो सामने है ना बंद है। टाइम हो गया है 10:52, लेकिन मैंने गूगल पे चेक करा ना, तो गूगल पे दिखा रहे हैं कि आज बंद है, ट्यूसडे को बंद है, ये देखो है ना। अब बाकी 24/7 ओपन दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या है, और आज बंद है। चलो कोई नहीं कल दिखा देंगे अगर कल बाहर नहीं गए तो, और वरना दूसरा स्टोर देख लेते हैं शायद दूसरा खुला होगा है ना। सो गाइस एक और दिखा रहा है 7 मिनट पे, 3.5 किलोमीटर पे है, लेकिन वो ओपन दिखा रहा है, तो चलो उस पर चल लेते हैं ना, फ्री है तो काम ही क्या है, यही काम फिनिश हो जाए अपना, किसी भी चीज़ को टालना महंगा पड़ सकता है ना। तो 7 मिनट में पहुँच जाऊँगा मैं दूसरे स्टोर पर। बैटरी
लेके दूसरे स्टोर पे पहुंचा, वो स्टोर भी बंद पड़ा है, पता नहीं क्या बात है। और ये तो ऐसा लग रहा है खुलता ही नहीं है, ये देखो ना, क्योंकि इसके ना सामने बहुत गंदगी है और वो पंखा वंखा लगा रखा है बराबर दुकान वालों ने, तो मुझे नहीं लगता ये स्टोर खुलता होगा। लेकिन गूगल पे तो ऑन दिखा रहा है, अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। सोच रहा हूँ ना जहाँ से बैटरी ली उन्हीं के पास चला जाऊँ, वो अपने आप करवा देंगे, और उनके पास कोई बैटरी पड़ी होगी तो दूसरी पड़वा लूँगा, या फिर बैटरी पूरी बदल दो, कहूँगा पूरी बदल दो मेरे से 100-200 रुपये लेने वो ले लो, है ना। चलो अभी तो नहीं जाऊँगा फिलहाल, थोड़ी देर में ही जाऊँगा, पहले और थोड़ा गूगल कर लेता हूँ इसके बारे में, कोई और दिखाया आसपास में स्टोर तो वहाँ जाके देख लूँगा, नहीं तो फिर दुकान वाले के पास ही जाऊँगा। दो स्टोर तो देख लिए, दोनों बंद पड़े हैं। चलो कोई नहीं, मैं पहुंच गया घर पे और टाइम हो गया 3:45, ड्यूटी तो कोई मिली नहीं, और मिली भी नहीं थी, मुझे बता ना ओला वर्क की ड्यूटी नहीं बचेगी क्योंकि लोकल की बंदा ऑडी खुली हुई थी। तो बैटरी चेक कराने चला गया मैं दुकान पे जहाँ से मैंने खरीदी थी, तो बैटरी वो बोले भैया ये बैटरी ना डिस्चार्ज हो गई है, तो बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से ये गाड़ी में चार्ज हो नहीं पाएगी, आपको अलग से चार्ज करनी पड़ेगी बाहर से, क्योंकि गाड़ी में जो चार्जर लगा होता है वो तो थोड़ा चार्ज करने के बाद में फिर वो मतलब कट मार जाता है, तो वो प्रॉपर बैटरी चार्ज नहीं कर पा रहा, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। तो मैंने कहा फिर कैसे होगी, बोला आपको निकलवा के चार्ज करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, वो तो कह रहा 12 घंटे के लिए गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, मैंने कहा नहीं भैया रहने दो, तो गाड़ी तो चली रही कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये है ना कभी चाबी ज़्यादा देर के लिए अगर ऑफ छोड़ दी खुली हुई तो फिर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं चार्ज कर लेते हैं, अब मैं सोच रहा हूँ ना घर पर इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर में लगा दूंगा बैटरी फिर चार्ज हो जाएगी, है ना, क्योंकि 12 घंटे के लिए गाड़ी कैसे छोड़ सकते हैं। तो घर पर आ गया हूँ तो बैटरी खोल के अपने इन्वर्टर पर लगा देता हूँ चार्जिंग पर, बढ़िया से चार्ज हो जाएगी फिर दिक्कत नहीं है। घर पे ही था, घर पे बैठी बैठी चार्ज की, फिर घर पे अच्छा नहीं लगा, फिर मैं आ गया वहाँ से निकल के खाली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच गया हूँ, बस राधे भाई की चाय की दुकान पे खड़ा हूँ। राधे भाई हेलो, बढ़िया बढ़िया। तो घर पे टाइम कट नहीं रहा था, इधर ही आ गया था, बाकी दिन में सो लिया था, रात में नींद आनी नहीं थी, और यहाँ पे आया तो यहाँ पे वैसे सुनसान पड़ा है। देखो रात के 2:45 हो रहे हैं, समथिंग 3 बजने वाला है और गाड़ी काफ़ी सारी खड़ी है, मैंने तो उधर अपनी सर्विस लाइन में लगा दी है, लेकिन गाड़ी बहुत है, और बहुत का मतलब यही है कि मार्केट में काम का तो अता पता है नहीं, और सभी ड्राइवर परेशान हैं। छोटी गाड़ी वाले फिलहाल काम कर रहे हैं, लेकिन जो ड्राइवर भाई ने आर्टिका ले ली है और उनके पास अपना खुद का काम नहीं है, ओला ओवर पर डिपेंड होकर ले लिए ना, तो फिर तो उनसे तो परेशान कोई है ही नहीं, सच बता रहे हैं, उनसे तो कोई परेशान है ही नहीं, क्योंकि वो मिनी में प्राइम में चला रहे हैं गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी पे 150-200 का काम कर रहे हैं। और मैं क्या होता ना जब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ आके मैं देखता हूँ ना कि ड्राइवर भाइयों के मोबाइल कि उसमें कितना काम हो रहा है, कि उनने 800 का कराया, किसी ने 1000 का कराया, किसी ने 1200 का कराया, किसी ने 1500 का कराया, ऐसे ही काम हुआ है सबका, अर्टिका वालों का। और डिजायर वालों का बात करें तो उनका 1600-1700 का है, तो कहने का मतलब डिजायर में काम थोड़ा ज़्यादा है और अर्टिका में थोड़ा कम है, क्योंकि अर्टिका में तीनों ड्यूटी आ रही हैं फिर भी काम कम है, और इसमें डिजायर में केवल 2 ड्यूटी आती है, एक मिनी की आती है और एक सेडान की आती है ना, तो दो कैटेगरी की ड्यूटी आती हैं आर्टिका में, मिनी भी आती है और प्राइम भी आती है, सेडान भी आती है, प्लस एसयूवी भी आती है, फिर भी काम नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो ना, क्योंकि डिजायर वाले कोई कोई बुकिंग छोड़ देते हैं ना जो छोटी बुकिंग होती है, तो रात में तो खैर कोई दिक्कत नहीं होती, ट्रैफिक होता नहीं तो लोग चला लेते हैं, तो मैंने तो चलानी नहीं है, मैंने तो आउट खोल के रखी है, इधर ही आ गया हूँ, इधर टाइम पास अच्छा हो जाता है, इंद्रापुरम में एक दिन काट लिया, एक दिन यहाँ हो गया, अब बस कल परसों से अपने पास ड्यूटी हाई लगातार है ना, तो कल हो सकता है ड्यूटी मिल जाए अपने को, एक बात चल रही है उत्तराखंड जाएंगे बन पे ड्रॉप करने, अच्छी वाली ड्यूटी है 10,000 से ऊपर की है, 300-400 किलोमीटर छोड़ने जाएंगे समथिंग, अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर हो जाएगा सुबह तक, व्हाट्सअप पे बात हो गई, सुबह फ़ोन आएगा सर का, तो वो अगर हो गई क्लियर, एडवांस डाल दिया उन्होंने, तो कल शाम को निकल जाएंगे ना, तो कल कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, क्या देखेंगे, क्या दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे कल के ब्लॉग में, अभी काम थोड़ा मद्दा चल रहा है अपने पास भी है ना, इधर देखो सब ड्राइवर भाई सो रहे हैं अपनी अपनी गाड़ी में, स्टार्ट है ना गाड़ियाँ सब मैं भी सो जाऊँगा अभी थोड़ी देर, मुझे तो नींद नहीं आएगी ना, क्योंकि दिन में मैंने सो लिया था, जब काम नहीं होता दिन में सो लेता हूँ ना, पूरी रात काटना मुश्किल हो जाता है, अगर मैं इंद्रापुरम में रुकता तो मोबाइल चलाता रहता, यहाँ पर कई ड्राइवर भाई मिलते ना, सबसे बात बात होती रहती है, तो अच्छा लगता है, पता भी लग जाता है मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। तो बस इस वाले ब्लॉग को भी सदा लंबा नहीं करेंगे, करते हैं यहीं पे एंड। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबाओ, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब कुछ कुछ ना बीच बीच में ऐसी वीडियो आएंगी कि हम ड्राइवरों का
थोड़ा इंटरव्यू टाइप का लेंगे कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसा काम हो रहा है, आर्टिका, डिजायर, वैगनर सबका एक एक वीडियो बनाया करेंगे ना, बीच बीच में जब खाली हुआ करेंगे ना, तो आने वाले टाइम में बहुत मस्त मस्त वीडियो आएंगी, फुल इन्फॉर्मेशन रहेगी उस वीडियो के अंदर। तो चैनल अभी कभी सब्सक्राइब करो और बस लास्ट में यही बोलेंगे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो विक्की के ब्लॉग। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। सो गाइस देख लिया ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आपका भी टूर बन रहा है आगरा, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, शिमला, मनाली, नैनीताल, जयपुर, जोधपुर, पुष्कर, अजमेर, खाटू श्याम, सालासर, मेहंदीपुर, बालाजी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कहीं भी घूमना चाहते हैं तो लगा दो हमारा नंबर या फिर कर दो अपना टूर प्लान व्हाट्सएप। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में, बाय बाय।